आगे बढ़ते हैं और दिल्ली शराब घोटाले की बात करूंगी, जहां पर ईडी का एक्शन अभी भी जारी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन। कैलाश गहलोत ने शराब नीति का ड्राफ्ट बनाया था और ऐसे में एक्शन जारी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को अब ईडी ने समन भेज दिया है, यानी कि पूछताछ ईडी करना चाहती है कैलाश गहलोत से। कैलाश गहलोत कौन है? शराब नीति का ड्राफ्ट बनाने वाले, वही शराब नीति, नई शराब नीति, आबकारी नीति, जिसको रिकॉल कर लिया गया था, और उसी मामले में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर फंसे हुए न सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, बल्कि खुद मनीष सिसोदिया, इसके साथ ही संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के कई नेता, और अब कैलाश गहलोत को ईडी की तरफ से भेजा गया है समन। उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है, क्योंकि कैलाश गहलोत ने ही शराब नीति का ड्राफ्ट बनाया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। जो लिंक्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है ताकि इस पूरे शराब घोटाले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। केशव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केशव, समन भेजा गया है, कब पूछताछ करना चाहती है ईडी कैलाश गहलोत से? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि एक और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के को समन भेजा है ईडी ने आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए, क्योंकि कैलाश गहलोत वही मंत्री हैं जिनके आवास पर विजय नायर रहा करता, जो उसकी साउथ के सबसे मजबूत लॉबी था इस आबकारी नीति को बनाने में, और जिसने पूरे साउथ लॉबी को एकजुट किया था। खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति की पूरी जो जिम्मेदारी है साउथ लॉबी से, किस किस बिजनेसमैन से कहां मीटिंग करना है, किस तरह से करना है, ये सारी जिम्मेदारी विजय नायर के ऊपर दिया हुआ था। विजय नायर को सरकारी आवास कैलाश गहलोत ने ही दे रखा था अपना, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बगल में ही वो आवास था जहां विजय नायर रहा करता था। तो इसी मामले को लेकर ईडी ने समन भेजा है कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत के पास अभी परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार में, और ईडी पूछताछ करना चाहती है कैलाश गहलोत से कि किस तरह की भूमिका कैलाश गहलोत की रही है इस आबकारी नीति मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि इसी को लेकर अब 1 से 2 दिन में जो ईडी के सामने है वो कैलाश गहलोत भी पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जो रहा वो उस नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का रहा केशव, जिसको लागू किया गया, जिसके जिसके माध्यम से पूरा घोटाला हुआ और जिसको बाद में फिर रिकॉल करना पड़ा। और इस मामले को लेकर किस तरह से ईडी ने पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है, और धीरे धीरे इस जांच की जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब फिलहाल ईडी की टीम रिमांड में पूछताछ कर रही है, कई और कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, कई और लोगों से पूछताछ की जो दायरा है वो ईडी बढ़ा रही है, और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के पास ईडी को आज समन पहुंचा है, और अब ईडी की जो टीम है वो कैलाश गहलोत से पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरह से ये जो नई शराब नीति की ड्राफ्ट तैयार की गई थी उसमें किस तरह से कैलाश गहलोत की भूमिका रही, क्योंकि जो विजय नायर है जो कि जिसको बताया जा रहा है कि साउथ लॉबी को पूरा एकजुट करने में, और बिजनेसमैन जो कि साउथ के थे जो शराब से जुड़े हुए थे उनको एकजुट करने के और मिलवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो विजय नायर के ऊपर था, और ये विजय नायर उसी आवास में रहता था सरकारी आवास में जो कि कैलाश गहलोत के अलॉट किया गया। तो इसीलिए कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ महत्वपूर्ण मानी जाएगी, इसीलिए आज ईडी की टीम ने कैलाश गहलोत को समन भेजा है और बहुत जल्द ईडी के सामने कैलाश गहलोत पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक और मुसीबत कैलाश गहलोत की बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईडी की तरफ से समन भेज दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का यह एक्शन लगातार जारी है।